try to build capacities of our district and ground teams. तो आज की जो हम वर्कशॉप कर रहे हैं, वी आर डूइंग अ वन डे वर्कशॉप ऑन PCPNDT एक्ट. PCPNDT एक्ट होता है प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक्स टेक्निक प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स एक्ट, जो कि मेनली इनैक्ट किया गया था टू इम्प्रूव आर सेक्स रेशो एट बर्थ एंड टू इंश्योर दैट सेक्स सिलेक्शन टेक्निक्स आर नॉट यूज एट द प्री कंसेप्शन, बिफोर एंड आफ्टर कंसेप्शन. तो आप जानते होंगे कि हमारा जो NFHS डेटा जब हम देखते हैं, NFHS 4 से और 5 में हमें सेक्स रेशियो एट बर्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है. वी हैव इम्प्रूव फ्रॉम 948 टू 976, बट अभी भी इसमें काम होना थोड़ा बाकी है. और उसी के लिए, उसी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और एक रीओरिएंटेशन के लिए ऑन दिस पर्टिकुलर एक्ट, हमने आज हमारे जितने भी CMOs, MOs और स्पेशलिस्ट हैं जो ग्राउंड में काम कर रहे हैं, उनकी एक ट्रेनिंग रखी है, एक वन डे ट्रेनिंग, जिसमें हमारे लीड कंसल्टेंट्स आए हैं फ्रॉम दिल्ली आल्सो. ये इनको ओरिएंट करेंगे इस एक्ट के फाइनल डिटेल्स में. इनकी प्रोग्राम्स के बारे में बताइए. आज एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जा रही है नेशनल हेल्थ मिशन के जरिए, जिसमें हमारे जो प्री कंसेप्शन प्री बर्थ जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है, उसमें जो कानून है उसकी प्रोविजंस के ऊपर हमारे जितने भी हेल्थ में प्रैक्टिशनर्स हैं जो इस काम से व्यवस्था हैं, उन लोगों के कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है. सिमिलर एक वर्कशॉप हमने कश्मीर में भी कराई थी, उसी की तरह हमने एक ये वर्कशॉप जम्मू में ऑर्गेनाइज़ की है. और इसका मकसद यही है कि जो ये एक्ट है जो प्रोवाइड करता है कि जो फीटिसाइड जो सेक्स सेलेक्टिव डिटर्मिनेशन होती है वो ना हो और हमारी जो सेक्स रेशो है वो निरंतर इम्प्रूव हो. और अगर आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट सर्वेज हैं उन्होंने बताया है कि सेक्स रेशो इम्प्रूव हुई है. जो लेटेस्ट हमारे पास NFHS 5 का डेटा है, इट सेज कि हमारी 976 है सेक्स रेशो एट बर्थ, विच इज़ इम्प्रूविंग. तो इस कमिटमेंट को जो गवर्नमेंट की है, वो जो इस एक्ट के तहत एक कमिटमेंट शो की है कि हम कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करें, और उसी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये और बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज हम कर रहे हैं. और इसका नतीजा यही रहेगा कि हमारे जितने फील्ड में जहाँ पे हमारे USG मशीन्स होती हैं, डायग्नोस्टिक्स होते हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, कोई उसको मिसयूज़ ना करे. और कहीं पे भी अगर ऐसा कोई इंसिडेंस आता है वायलेशन का, तो उसके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई हो. तो यही प्रोविजन को हम दोहराएंगे. भी होता है कि पेरेंट्स अंडरस्टैंड, तो जहाँ पे कहीं पे अगर कोई वायलेशन स्पेसिफिक इंस्टेंस होगा, विल टेक एक्शन एंड विल इंश्योर कि अगर कोई हमारे हेल्थ केयर वर्कर उसमें इन्वॉल्व है, हम सख्त से सख्त कार्रवाई उसमें लेंगे. लेकिन जो ट्रेंड दिखने को आ रहा है बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंट सर्वे डेटा, आई कैन से दैट थिंग्स आर इम्प्रूविंग. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च नंबर ऑफ स्कीम्स, जैसे लाडली बेटी है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें एम्पावरमेंट हुई है, लोगों की जागरूकता बढ़ी है. तो मुझे लगता है यही मैसेज फर्दर और स्प्रेड करने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारी डिज़ायर है या हमारे जो कोशिश है कि इसमें कोई भी एक स्पेसिफिक इंसिडेंस ना आए, और जो एक बैलेंस कुदरत ने बनाया हुआ है उसको हम मेंटेन करें. थैंक यू.